हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल डू कैरेक्टर स्केच ऑफ मुराद चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स क्लास 11। मुराद वॉज अ मेंबर ऑफ ग्रेगोरियन फैमिली FAMILY। ही वॉज 13 ईयर ओल्ड। ही इंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीवन। मुराद जो है वो ग्रेगोरियन फैमिली से बिलोंग करता है। वो 13 वर्ष का एक बालक है और उसको ज़िंदगी मज़े से जीना पसंद है। वो एक जिंदा दिल इंसान है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, जॉली नेचर। ही वॉज वेरी चेयरफुल मेम्बर ऑफ द फैमिली। ही इंजॉयड द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। जो मुराद था वो बहुत खुश मिजाज बच्चा था। वो हमेशा खुश रहता था और वो ज़िंदगी को पूरे मज़े से जीता था। सेकेंड पॉइंट, क्रेज़ी फॉर हॉर्सेस। उसको घोड़े बहुत पसंद थे। वो घोड़ों के प्रति उसको बहुत ज़्यादा चाहत थी। ही वॉज क्रेज़ी फॉर हॉर्सेस। ही हैड अ ड्रीम टू राइड द हॉर्स, सो ही स्टोल द हॉर्स ऑफ जॉन बायरो ओनली टू इंजॉय राइड। तो ये जो मुराद है, इसको घोड़ों का बहुत शौक़ था। इसका सपना था कि ये घुड़सवारी सीखे, इसीलिए इसने जॉन बायरो जो कि किसान है उसका घोड़ा चुराया केवल घुड़सवारी के मज़े लेने के लिए। अ बैड सिंगर। मुराद जो है उसको गाने गाना तो पसंद है लेकिन वो गाने गाने में अच्छा नहीं है। ही लाइक सिंगिंग when he was riding with Aram, he began to sing, but actually he was not singing, he was roaring। जब मुराद अपने भाई के साथ, जिसका कि नाम एरम है, वो घुड़सवारी के मज़े ले रहा था, तो उस समय वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। लेकिन उसका जो गाना था वो गाना नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा है। क्रेज़ी स्ट्रिक ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो, मतलब इस परिवार में जो सबसे ज़्यादा सन की माना जाते हैं वो अंकल खुसरो माने जाते हैं। और अंकल खुसरो की जो ये आदत है, सन की पन है, ये जो मुराद है इसके व्यवहार में भी झलकता है। तो अंकल खुसरो के बाद अगर किसी को सनकी कहा जाएगा तो वो मुराद को कहा जाएगा। ही वॉज नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो। लाइक अंकल खुसरो, मुराद ऑल्सो वॉज वेरी क्रेजी मेम्बर ऑफ दिस फैमिली। और अंकल खुसरो सबसे ज़्यादा सनकी इंसान है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुराद भी बहुत ज़्यादा सनकी इंसान है। तो हम कहेंगे कि मुराद जो है वो डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो है और वो क्रेजी स्ट्रीक है इस परिवार में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लॉयल्टी इन द ब्लड। कि मुराद का जो खून है उसमें ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। मुराद स्टोल द हॉर्स ओनली टू इंजॉय द राइड। सो मुराद ने चोरी की घोड़े की केवल घुड़सवारी के मज़े लेने के लिए। व्हेन हिज कज़न एरम सेड दैट ही हैड केप्ट द हॉर्स फॉर 1 month एंड नॉट टू रिटर्न अनलेस ही लर्न राइडिंग, देन मुराद सेड दैट द हॉर्स मस्ट गो टू इट्स ट्रू ओनर। तो जब एरम को पता चला कि 1 महीने से मुराद ने घोड़ा अपने पास छुपा के रखा हुआ है, तो उसने बोला जब तक वापस मत करना, जब तक मुझे घुड़सवारी नहीं आएगी। तो इसके ऊपर मुराद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो ये घोड़ा है इसको इसके असली मालिक के पास भेजना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, हम चोरी नहीं करेंगे। लव्ड एंड केयर्ड फॉर एनिमल्स। अगला जो गुण है मुराद का वो ये है कि एनिमल्स के प्रति उसको बहुत प्यार है और वो एनिमल्स की बहुत ज़्यादा देखभाल भी करता है। मुराद लव्ड बर्ड्स। मुराद को चिड़िया और एनिमल्स वगैरह पसंद हैं। एज़ ही ट्राई टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। और हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि एक बार हमने देखा कि जो मुराद है वो एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम रॉबिन है, उसके पंखों को ठीक कर रहा था। एंड ही वॉज टॉकिंग टू इट, और उससे बात भी कर रहा था। ही इवन केप्ट द हॉर्स विद लव एंड फेड इट वेल। और इसके साथ साथ जितने भी दिन घोड़ा उसने अपने पास रखा, घोड़े को बहुत प्यार किया और बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो इससे पता चलता है कि जो मुराद है तो जानवरों के प्रति और पक्षियों के प्रति उसको प्यार है। सेवन्थ पॉइंट लिखिए, मुराद्स पेट डायलॉग। मुराद का एक पेट डायलॉग है। हिज पेट डायलॉग वॉज आई हैव अ वे विद। मुराद का जो पैट डायलॉग है वो है कि आई हैव अ वे विथ। ही एक्चुअली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दोज हु केम इन हिज कॉन्टैक्ट एंड बिहेव्ड वेल विद दैम। जो मुराद है वो उन सभी लोग जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आता था, उसके संपर्क में आता था, उनके वो व्यवहार को जानता था और उस हिसाब से वो फिर उनके साथ बिहेव करता था। और एंड में लिखिएगा, सो इट इज़ क्लियर दैट मुराद वॉज अ डिस्टिंग्विश मेम्बर ऑफ हिज फैमिली विद नोबल हार्ट। तो ये स्पष्ट है कि मुराद अपने परिवार का एक विशिष्ट व्यक्ति था जिसका कि हृदय बहुत ज़्यादा उदार था।
थैंक यू स्टूडेंट्स.